हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो थलापति विजय की न्यू मूवी यानी कि द गॉड का टीज़र दोस्तों कल रात को रिलीज हुआ, लेकिन हमने इस टीज़र पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम लोगों का ध्यान कल की पे था। भाई सुबह उठते ही मैंने इस टीज़र को देखा, कमाल का टीज़र है। हालांकि टीज़र देखे हुए मुझे 2 घंटे हो चुके हैं, मैं किसी वर्क में फंसा हुआ था, वहाँ से जैसे ही फ्री हुआ मैंने सोचा भाई इस पर ज़रूर बात करनी चाहिए। कमाल का दोस्तों टीज़र है, मज़ा आ गया देख के। क्या यहाँ पे स्टाइल दिया है, बिल्कुल थलापति विजय की मूवियों में जो स्टाइल होता है बिल्कुल वही चीज़ दोस्तों हमें इस टीज़र में देखने को मिली है। हालांकि डबल रोल होने वाला है, लेकिन डबल रोल में बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि वो तो बेटा लग रहा है और ये बाप लग रहा है, लेकिन भाई किस तरीके से डायरेक्टर ने इनके अंदर चेंजिंग की है वो देखने वाली बात है। फिलहाल इस टीज़र में है क्या वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। देखो, एक तरीके से जब इस टीज़र स्टार्ट हो रहा है तो एक बाइक का कुछ चेजिंग सीन चल रहा है, ये पता नहीं चल पा रहा है कि कौन किसका पीछा कर रहा है, लेकिन बाइक का चेजिंग सीन चल रहा है। गोलियाँ चल रही हैं, कार चल रही है, एक बाइक का अपना चेजिंग चल रहा है, जिसमें बाद में हमें स्लो मोशन में देखने को पता लगता है कि उसमें ये दोनों हैं बाप बेटे, यानी कि थलापति विजय हैं डुअल रोल में और गोलियाँ चला रहे हैं। ये सीन दोस्तों देख के यहाँ पे इतना गूज़बम क्रिएट हुआ, कमाल का। मतलब आप ये समझ के चलो कि ये मूवी का एक तरीके से गन शॉट सीन होने वाला है, ये एक ऐसा सीन होने वाला है जिसको देख के लिटरली आपको मूवी में मज़ा आ ही जाएगा। इन्होंने टीज़र में यही सीन को लिया है और इन्होंने इस टीज़र को इसीलिए रिलीज़ किया है क्योंकि थलापति विजय का बर्थडे बताया जा रहा है और ये उनको विश करने के लिए रिलीज़ किया गया है। अब लास्ट में, ठीक इस टीज़र के लास्ट में दोस्तों, जैसे ही ये सीन पूरा का पूरा ख़त्म होता है, इस टीज़र के बिल्कुल लास्ट में कुछ 2-3 क्लिप्स आती हैं। भाई वो 2-3 क्लिप्स देख के खून खुशक हो जाएगा। आप ये देखो, उन 2-3 क्लिपों में इतना सब कुछ दिखाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। मैं आपको दोस्तों कहने वाला हूँ, मूवी बहुत बड़ी होने वाली है, बहुत बड़ी। और कहा भी जा रहा है कि थलापति विजय अब इसके बाद में भाई पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं, क्विट कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री, तो इसका मतलब आप ये समझो कि ये मूवी कितने बड़े लेवल पे होने वाली है, ये बात देखो। और इस मूवी के अंदर थलापति विजय ने ही नहीं, पूरी की पूरी टीम ने कितना यहाँ पे दम लगाया होगा, क्योंकि लास्ट मूवी होने वाली है और उसके बाद में यहाँ पे किस तरीके से इसको रिलीज़ किया जाएगा, ग्रैंड रिलीज़ होगी, सब लोगों को पता होगा कि आखिरी मूवी है। तो देखो, मूवी देखने के लिए पब्लिक तो पागल होगी, लेकिन काम करने के लिए जो इसकी टीम जुड़ी हुई है वो भी कितना दम लगाई होगी। भाई लास्ट मूवी है और फिर थलापति विजय ने कितना दम लगाया होगा, जितना दम इनकी फर्स्ट मूवी में लगा होगा ना इनके करियर की, उतना ही दम, उससे ज़्यादा दम इन्होंने अपनी लास्ट मूवी में लगाया होगा। तो आप समझ के चलो कि कितने बड़े लेवल पर दोस्तों ये बनने वाली है। और मूवी की रिलीज डेट भाई 5 सितंबर इसी साल 2024, ये दोस्तों कमाल का हुआ, यानी कि अच्छा खासा बिल्कुल एक सोलो टाइम मिल रहा है। इस वक्त कोई बड़ी मूवी नहीं है, हाँ लास्ट में है 27 सितंबर को देवरा, लेकिन 5 से लेकर 27 तारीख तक सिर्फ और सिर्फ थलापति विजय का राज चलेगा। और यहाँ पे देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि मूवी कैसी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे अभी जो लास्ट मूवी आई थी लियो, भाई वो बहुत उम्दा मूवी थी थलापति विजय की। मैंने लियो थलापति विजय की आई थिंक सो, अगर मैं गलत नहीं हूँ और मैं झूठ ना बोलूँ, तो मैंने पहली थलापति विजय की मूवी थिएटर में देखी थी लियो। भाई मज़ा आ गया था, मज़ा आ गया था। और मैं यही सोच के बैठा था, मैंने यार अब इनकी मूवी ना सारी थिएटर में ही देखनी है, ये मूवी तो भाई थिएटर में ही देखनी है। लेकिन आने वाले टाइम में हम तो यही चाहेंगे कि थलापति विजय दोबारा से इंडस्ट्री में आए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एक्टर गए हैं, बॉलीवुड से गए हों चाहे कहीं से भी गए हों पॉलिटिक्स में, तो भाई वो दोबारा लौट के ज़रूर आए, लेकिन वो टाइम उनका नहीं रहता है। मैं गोविंदा की बात करूँ, संजू बाबा की बात करूँ, या बच्चन साहब की बात करूँ, या किसी की भी बात करूँ, ये लोग लौट के आए हैं, लेकिन वो वक्त लौट के नहीं आता जिस टाइम पर ये उस वक्त से गए थे। तो मैं यही कहूँगा कि यार थलापति विजय यार ऐसा ना करो यार, अपना जो चल रहा है बढ़िया धंधा उसी पे काम करते रहो। तो फिलहाल दोस्तों नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको कैसा लगा ये टीज़र। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।